क्यों किया जा रहा है? तो क्या फोर्स ने मिसबिहेव किया? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। महिला सफाई कर्मी ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर बनाया पीसीएस अफसर, अफसर बन पत्नी ने पति को मारी लात। अफसर पत्नी का हुआ अफसर से प्यार, फोर्थ क्लास पति का जीना किया दुश्वार। ज्योति मौर्या गलत है, तुम ऑलरेडी एसडीएम हो यार, 50 लाख रुपए का काहे का लालच दिखा रही हो? तुमको क्या दुख पड़ी हुई है इतना? 90% पुरुष बर्दाश्त नहीं करते सकते इस चीज को कि महिला उनसे आगे जाए। क्या किसी दूसरे अधिकारी से आई लव यू कर रही है, ये क्या है? एसडीएम को किन किन गालियों से संबोधन किया गया होगा जब वो आगे बढ़ी होगी? तो वो दर्द किसी को दिखा नहीं होगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ज्योति मौर्या जो है एसडीएम, उनको प्रताड़ित किया जाता रहा? सवाल तो ये खड़ा होता आज, जो एसडीएम है वो चाय नहीं दे सकती, नौकर घर में सर्व करेगा। या तो बीबी को आईएएस आईपीएस बना लो, या तो फिर खाना में चूल्हा चौकी में छोड़ लो। बबुनी के लागल बा शहर के हाल। आलोक मौर्य ने खोल दिए पत्नी के राज, कब किसके साथ गई सब कुछ बताया। बेवफा पत्नी का काला सच बाहर आया, वायरल हुआ एक और नया वीडियो। पढ़ाई के दौरान भी कोचिंग सेंटर में बेवफाई की रची जा रही थी साजिश, आलोक ने रो रो कर बताया असली सच। नए खुलासे से मच गया हड़कंप। आलोक के वकील ने ज्योति मौर्या जो है ये आरती के बहिन हो। आरती के बहिन कैसे? ये आरतिया के बहिन ऊ लगी एगो अपन दुल्हा के मरवा दिलको, एगो अपन दुल्हा के छोड़ दिलको। कि बेटी पढ़ाओ लेकिन मौगी के आगे ना बढ़ाओ, सोशल मीडिया से दूर रख भैया, फेसबुक से दूर रख। ये जो ज्योति मौर्या जो घटना का अंजाम दे रही है, ये जो शर्मनाक काम करी किस लिए कर रही है भाई? पढ़े लिखे होने का यही ज्ञान है। देखिए जो कहते ना फेसबुक चलाने के लिए दो, इंस्टाग्राम बना दो, लंगे उतार दो, भाग जाएगी कोई के साथ। ऐसे करती है। पति के अंदर उतना ताकत था, जैसे बीबी एसडीएम बन गए उसकी औकात है कि झोटवा धर के मारता ना उसको, दो चार लप्पड़ देता ना, पति वाला फर्ज ना दिखाइएगा जी। और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में, और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर, यहां तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी एक हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पे कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचे करा रहे हो, ये करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। सर यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या एक नए विवाद में फंस गई। पहले से ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद सुर्खियों में। आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब आलोक ने अपनी पत्नी के फोन से कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट लीक कर दिए जिनमें ज्योति मौर्य के रिश्वत लेने का जिक्र है, जिसके बाद पति पत्नी का विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया। ज्योति मौर्य के पति ने इन आरोपों से जुड़ी चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को भेज दी, साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट के अलावा एक डायरी के कुछ पन्ने भी होने का जिक्र है।